हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। ये वीडियो फिर से मैं बना रहा हूँ सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए कि यार एक ग्रुप दें, दो ग्रुप दें, तीन ग्रुप दें और थोड़ा सा सिलेबस को थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर दूं कि यार सीएस प्रोफेशनल का सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहला तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी फेब्रुअरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतना सारा पीरियड बाकी है, तो क्यों ना हम ऑल ग्रुप्स के लिए जाएं। यार तीनों ग्रुप्स की पढ़ाई का जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर इतना ज़बरदस्त होता है ना, बोलते हैं ना कि प्रेशर में आदमी परफॉर्म अच्छा करता है क्योंकि उसके ऊपर ना एक रॉकेट लगा होता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सीएस प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप्स एक साथ करें बच्चों। ऐसा फील होता है ना, वो ऐसा आनंद आता है, आप मतलब, और वो जुनून होना चाहिए बच्चों। देखिए सीएस प्रोफेशनल क्लियर करना ना मतलब सिर्फ पढ़ाई के ऊपर नहीं है बच्चों, पढ़ाई से ज़्यादा जो है ना आपको क्या चाहिए, वो जुनून चाहिए। जुनून जब मैं कहूँ तो जुनून का मतलब ऐसा है कि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे अंदर ऐसी खतरनाक आग लगी हुई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं वो आग कहूँ तो आग ऐसी थी कि मैं सुबह शाम खाते पीते उठते बैठते सिर्फ क्या सोचता था कि यार मुझे क्या क्लियर करना है सीएस प्रोफेशनल, क्योंकि यार एक ही एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के बाद ज़िंदगी भर छापो छापो छापो, पैसा आने दो आने दो आने दो आने दो, यस और नो, चाहे आप जॉब करें, प्रैक्टिस करें, टीचिंग में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब टीचिंग में आ गए तो मेरे से कॉम्पीट मत करना। सो एनीवे, तो कहीं ना कहीं सीएस प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप दीजिए और बिना सोचे समझे दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। और चलिए सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। ग्रुप वन में सबसे पहले सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग। आप कभी भी 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बच्चों, और पढ़ने का तरीका कुछ भी नहीं है। मॉड्यूल में जितने भी ड्राफ्ट्स हैं वो सारे ड्राफ्ट्स लिखने हैं। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप अपने शहर में क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, बट मेक श्योर कि जहाँ पे भी आप क्लासेस लगाएं आपने ये कहना है कि सर हमको कम से कम 100 ड्राफ्ट्स लिख के चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ड्राफ्टिंग अच्छी हुई है तो उसकी थियोरी अच्छी हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा सब्जेक्ट है एथिक्स। एथिक्स तो तुम, ये ओल्ड सिलेबस में तो बहुत ही ख़राब था बच्चों, तो मतलब कुछ काम कहीं था। न्यू सिलेबस में 500 पेजेस की मॉड्यूल है, 500 550 पेजेस की मॉड्यूल है, एथिक्स, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे करके उन्होंने एक सब्जेक्ट बनाया है। बहुत ही ज़ोरदार सब्जेक्ट है, बहुत नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, और प्लीज़ इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो आपको आगे ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत काम आने वाले हैं, और ICSE यहीं पे आपको लटकाने के लिए तैयार है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। तो इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है, जी तोड़ के पढ़ाई करनी है। यस, क्लासेस आपने लगानी है। प्लीज़ आप जिस शहर में, आप मेरे पास क्लास लगाएं ना लगाएं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस शहर में हैं आप उस शहर में क्लास लगाइए, बट मेक श्योर कि आप पढ़ाई करें। क्लास लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा, स्पेशली जब आप तीनों ग्रुप दे रहे हैं। तीसरा है टैक्स। अनडाउटेडली टैक्स तो आपको पता ही है, वो हम सबका बाप सब्जेक्ट है बच्चों, तो उसमें हमको थोड़ा डर लगता ही है। क्लासेस बिल्कुल लगानी है और बहुत अच्छी है, क्लासेस लगाइए बच्चों। तो उसके बाद मैं आता हूँ ग्रुप टू में। ग्रुप टू में है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, अगेन वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स, जिसमें बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट। अब इसमें वैल्यूएशन नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, तो काफ़ी बेहतरीन सब्जेक्ट है। इंसॉल्वेंसी पढ़ना है आपको इसमें बहुत सारा, तो ओवरऑल अच्छा सब्जेक्ट है, कोई इग्नोर नहीं करना है आपको, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है। ज़रूरत पड़ेगी क्लासेस की, यस यू शुड गो अहेड विद द क्लासेस, और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए बच्चों। चौथी चीज़ ये है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो ग्रुप टू का है, वो ड्यू डिलिजेंस। अगेन 500-550 पेजेस की मॉड्यूल है। इसमें आपको बेसिकली कंपनीज एक्ट पढ़ना है, सिक्योरिटीज लॉ पढ़ना है, देन इसमें कंपनी लॉ, मतलब कंपनी लॉ अगर आपने एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको मेहनत थोड़ी सी अगर आपने अच्छे से की तो आपको यहाँ पे पास होने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है वो सीएस एग्जीक्यूटिव की पढ़नी है। उसके बाद एक सब्जेक्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ग्रुप टू का, सीआर हो गया। उसके बाद एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स में बेसिकली ऑपरेशन क्या है, मिसमैनेजमेंट क्या है, मेजॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, ये सारे प्रोविजंस, ये सारे झगड़े जो कंपनी के अंदर हो सकते हैं, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड हुआ तो रेमेडी क्या है, रिलीफ क्या है, NCLT कब जाना है, फिर फेमा के अंदर कौन कौन से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, फॉरेन रेट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं अपने
सब्जेक्ट में, कौन सब्जेक्ट में, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में. उसके बाद मूविंग ऑन टू थर्ड ग्रुप. थर्ड ग्रुप तो बेस्ट ग्रुप है बच्चों, सबसे अच्छा ग्रुप थर्ड ग्रुप है. एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, जो आपने सिक्योरिटीज पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में, उसका ही एक्सटेंडेड पार्ट है. बहुत मस्त सब्जेक्ट है. इंडिया से आपको पैसे रेज करने हैं, फॉरन से फंड रेज करना है, फॉरन की कंपनी को इंडिया से फंड रेज करना है, आरबीआई की क्या क्या प्रोविजन है, इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, आरबीआई क्या बोलता है, इंडिया के बाहर सब्सिडरी बनाना है, थोड़ा सा फेमा फेमा भी है. फिर इतने सारे अभी नए नए डेट इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, मसाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, वो बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आपको क्या है बच्चों इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट में सीखने मिलेंगे. एक है मल्टी डिसिप्लिनरी केस लॉ. अरे बाप रे, ये तो क्या है समझ में नहीं आता. मॉड्यूल देखी होगी तो आपको बड़ी दिक्कत हुई होगी. सो कोई भी दिक्कत नहीं है इस सब्जेक्ट में बच्चों. इस सब्जेक्ट में हर एक लॉ, मतलब जितने भी, खासकर कुछ 10 लॉ हैं, अगेन सेम है बच्चों, सेबी लॉ, कंपनी लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ, फेमा, इन सब रिलेटेड, इन सब लॉ से रिलेटेड जितने भी केसेस हुए हैं और उन केसेस में क्या क्या डिसीजन हो. क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको इन सब के, ये आरबीआई के सामने, एनसीएलटी के सामने, सेबी के सामने, इन सब के सामने, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर भी एनसीएलटी है, इन सब के सामने आपको रिप्रेजेंट करना होता है. तो रिप्रेजेंट आप कब करेंगे, जब आपको पास्ट के केसेस पता है. क्यों नहीं, तो अपने कई कंपनी सेक्रेटरी जाते हैं वहाँ पे और उनको पता ही नहीं होता यार यहाँ पे ऐसा भी होता है क्या. तो पास्ट में जितने केसेस हुए हैं वो केसेस में क्या क्या फैसला आया है, तो आपको उससे समझ में आएगा कि आगे हमको ऐसा करना है. तो वो सारे केस लॉज वहाँ पे हैं. तो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है. मतलब मैं बता रहा हूँ, अभी जो नए लोग कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं इनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है. ये लोग तो मेरे ख्याल से 25 केज में बीएमडब्ल्यू में घूमेंगे. हाँ, जब मैं ऐसा कहूँ तो आपको बिलीव करना है कि सच में घूमेंगे. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि घूमेंगे और तुम लोग बोलते हो नहीं घूमेंगे, तो लाइफ में आप कभी नहीं घूमेंगे बच्चों. याद रखना, अगर ये मेरे सामने एक कटोरी रखी है और ये मेरी सोच इस कटोरी जितनी है, तो याद रखना भगवान उसमें उतना ही भरेगा जितनी मेरी कटोरी है. कुछ स्मेल आ रही, इसमें कुछ तो था. सो एक चीज़ याद रखिए बच्चों, अपनी सोच हमेशा बड़ी रखिए, कुछ बड़ा करने का जज्बा रखिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ सीएस करके आपके सारे सपने पूरे होंगे. कई लोग, पता नहीं कुछ उपद्रवी लोग हैं जो इसके नीचे लिखते हैं कि यार सीएस करके जॉब मिलता है नहीं मिलता है. 55,000 कंपनी सेक्रेटरी है और एक भी बेरोजगार नहीं है यार. एवरीवन इज़ वर्किंग, एवरीवन इज़ डूइंग वेल. तो प्लीज़ ऐसे कमेंट, मतलब आप कीजिए, आपका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट प्लीज़ अपना सीएस कोर्स बहुत अच्छा है, अच्छे से विश्वास के साथ कीजिए. उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है ग्रुप थ्री में. ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने आपको पहले ही कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार. 150 पेज की मॉड्यूल है, 8 सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ना है, क्यों इतना लोड लेने का. वो लेने का 150 पेज की मॉड्यूल है, उसमें कुछ नहीं है. फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, कंपनी लॉ के अंदर थोड़ा सा ऑडिट वॉडिट का पार्ट है, तो मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है. सभी इन्वेस्टिगेट कैसे करती है, फ्रॉड में इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत आराम से क्लियर हो सकते हैं, सच कोई दिक्कत नहीं है. सो बच्चों बस मैं ठान लीजिए, आज डिसाइड कीजिए कि तीनों ग्रुप क्लियर करना है 25 फरवरी 2020 को IMSCS. चलिए बच्चों, मेरे साथ आप लोग वादा करेंगे, आप वादा करिए कि आप सीएस, और मैं गारंटी, तो अगर आपने ठान लिया ना, भगवान आपकी पूरी मदद करेगा. बच्चों मैं, मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं था, मुझे उतना इंग्लिश नहीं समझता था. हमारे टाइम पे तो नोट्स भी नहीं होते थे. क्लासेस मैंने सारे सब्जेक्ट्स लगाई थी. एक बार क्या क्लास में कवर हो जाता है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों, गो फॉर ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस बच्चों. मतलब किसी सब्जेक्ट को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए. आप प्लीज़ ये मत मानिए कि मैं टीचिंग इंडस्ट्री में इसलिए बोल रहा हूँ. जब मैं भी स्टूडेंट था, मेरी भी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ठीक नहीं थी, बट मेरे यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट क्लासेस लगाई थी बच्चों. तो प्लीज़, क्योंकि फाइनल में बच्चे पास नहीं होते, तो इसका एक रीज़न ये भी है कि यू नो, वो सोचते हैं कि यार मैं कर लूँगा, इसके चक्कर में एक अटेम्प्ट गया, मतलब बच्चों आपका कम से कम 8 लाख रुपए का नुकसान है. तो मत कीजिए ये सारी चीज़ें. और बच्चों प्लीज़ ज्वाइन फॉर क्लासेस. प्लीज़ मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी क्लास लगाइए, आप जिस शहर में उस शहर में क्लास लगाइए, बट यस, ज्वाइन गुड क्लास. क्योंकि आज सुबह एक लड़की, एक स्टूडेंट से मिला, जिसने कहा कि सर मैंने 6 अटेम्प्ट हो गए. तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्लास लगाई, तो बोले नहीं सर मैंने क्लास नहीं लगाई थी, मैं सेल्फ स्टडी से करी थी. मुझे एक चीज़ बताइए, क्लास लगाई थी, अगर आपका 3 अटेम्प्ट में भी हो जाता तो कहना ही से आपके आगे के 2 साल बच जाते. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर ऑल द ग्रुप्स, गेट अ गुड क्लास, गो एनी क्लास बच्चों. प्लीज़ मैं आपको, आप बार बार मैं क्लासेस का कहूँ तो आप ये मत समझिए कि मैं क्लासेस को प्रमोट करना चाहता हूँ. नहीं बच्चों, आई एम वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड. आप प्लीज़ मतलब ये मत सोचिए. और प्लीज़ दूसरी चीज़ ये है कि आर्टिकलशिप ज्वाइन मत कीजिए. आर्टिकलशिप में बहुत इश्यूज़ हैं. एक बार पैसा मिलना चालू हुआ, उसके बाद बच्चों बहुत डिफ़िकल्ट होता है चीज़ें
चीज़ों को करना और मन भटक जाता है पैसा मिलने के बाद। तो प्लीज़ आर्टिकलशिप मत ज्वाइन कीजिए। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो सकती है, बट प्लीज़ अपने मन को समझाइए, अपने माता पिता को समझाइए। अगर इधर उधर से कहीं उधार ले सकते हैं तो लीजिए, बट बोलिए, अपने आप को टाइम दीजिए कि यस 10 महीने। और याद रखिए, 10 महीने आपके दिमाग में कुछ भी और चलना नहीं चाहिए, मेरे दिमाग में एक ही फोकस होना चाहिए, इमेजिन योर सेल्फ एज अ सीएस। मुझे सीएस करना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आई हैव टू बी अ सीएस। 25th February 2020 इज द डेट व्हेन आई विल बी अ सीएस। और इस कमेंट के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, 25th February 2020 आई एम अ सीएस। और 25th February 2020 को मैं वापस से लाइव आऊँगा, तो लेट्स सी अपन कुछ अच्छा करेंगे बच्चों, एनालाइज करेंगे अपने परफॉर्मेंस को। लव यू सो मच, ध्यान रखिए बच्चों, और हमेशा हम आपके साथ हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।